ओम लाइट। शांति अशोक भाई, ओम शांति। वेलकम, स्वागतम स्वागतम थैंक यू, स्वागतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ौदा कारेली बाग के इस थैंक फुलवाड़ी के यू। साथ। आज विशेष खुशबूदार बाबा का फूल अर्थात अशोक भाई हमारे साथ आज है। भाई और बहनों, अहमदाबाद लाइट से है, और आपको पता होगा कुंजू बैन कुछ पिछले महीने, करीब पिछले महीने जो अपना अनुभव सुना के गए थे कांगो वाले अफ्रीका, तो आप लौकिक भाई है कुंजू बैन के, और कुंजू बैन भी इस वक्त इस सभा में मौजूद है। तो कुंजू बैन का भी बहुत बहुत स्वागत है, और अशोक भाई के लिए मैं दो शब्द अगर कहूँ तो प्यारे साथियों, हमने इस रूहानी राहों पर, इस अलौकिक जीवन यात्रा में कई ऐसी आत्माएं देखी है जो अपने ऊपर कुछ लगाती नहीं है, उनका जो कुछ भी होता है बस दिल में सर्वस्व यज्ञ के प्रति ही स्वाहा करना होता है। तो मैं अशोक भाई के लिए कहूँगा कि वो कुबेरपति है, लेकिन कारून के खजाने का मालिक बनने के लिए वो अपना सब कुछ यज्ञ के प्रति लगाते, अपने प्रति वो कम से कम जो जीवन की जरूरतें होती है, जो कुछ भी हो बाबा के प्रति हमें स्वाहा करना चाहिए। भूले से भी यज्ञ का कुछ हमारे पास नहीं आना चाहिए, हमारे पास जो है वो यज्ञ में जाना चाहिए। ऐसी विशेष भावनाएं आपकी होती है, और मधुबन से भी आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत सारी सेवाएं आपके पास है, मधुबन का परचेज वगैरह कई चीजें आप करते हैं। और मैं आपको कहूं भाई और बहनों, अपने प्रति कुछ करना होगा ना तो कपड़ा भी लेना होगा, तो सैटेलाइट से हमारे अशोक भाई ढारगलवाड़ जाते हैं। इतना कम खर्च बालानशीन, जो बाबा ने कहा कि ढारगलवाड़ में भाई सस्ता मिलेगा, लेकिन यज्ञ में तो आंख बंद करके लगाना है। कितना गजब का ये स्वाहा करने का जो स्वभाव है, ये आपकी मुख्य रूप से विशेषता है। तो डॉक्टर साहब और चंपा बहन, आप भी अशोक भाई हमारे, ठीक है, उनका स्वागत करें। ओम शांति अशोक भाई। शांति, बहन ओम शांति डॉक्टर ने साहेब। आपकी बहुत याद दिलाई, हमें रिलेशन मालूम नहीं था, आपको जानते तो बहुत सालों से है। हाँ, हमें जानते हो कि भूल बहुत गए अच्छी हो, रीति से, क्यों नहीं, अच्छी रीति से अपने जानते। हमेशा मिलते रहते हैं और बहुत साइलेंट में रहते हैं अशोक भाई, जब भी मिलते हैं और सेवा भी फटाफट करते हैं। हमें याद है एक बार कुछ गाड़ी की तकलीफ हुई थी कोई बहन को, तो मैं भी मधुबन से तो मैं गया था, तुरंत काम पूरा कर दिया था इन्होंने, तो वो इवेंट मुझे याद है। और अभी कुंज बहन ने जो कहा तो उससे तो और अच्छी तरह आपका ख्याल आया कि कैसे फॉरेन वालों को भी मदद करने वाले। हाँ, हाँ, दुनिया में तो आज ऐसा है कि फॉरेन सबको याद बिल्कुल मदद करता है, ये तो फॉरेन वाले बाबा के बच्चे हैं तो उनको भी यहाँ से मदद जाए, ये तो एक बड़ी बात हो गई ना। तो ऐसे अशोक भाई, आपको आपका परिचय और अच्छा मिला तो हृदय गदगद हो गया कि वाह हमारे अशोक भाई वाह। आज आज यहाँ हमारी या पाठशाला या कहो सेंटर जो है उनकी मुलाकात से सब लोगों को बहुत खुश मिलेगी। आपकी जो है धारणाओं के आधार पर आपकी जो खुशबू मिलेंगी उससे सब खुश होंगे, इसीलिए आज का दिन बड़ा अच्छा शुभ दिन है जो आप यहाँ कारेली बाग के भाई बहनों को मिल रहे हो। थैंक यू, आपको बहुत बहुत वेलकम। हाँ कुंजू बहन, अभी देखो कुंजू बहन भी ओम प्रकट शांति। हुई। कुंजू बहन आपका भी थैंक यू स्वागत थैंक है। यू हाँ, थैंक यू थैंक यू। अभी आज तो अशोक भाई को सुनना है, तो अशोक भाई लेकिन आप वेलकम। स्वागत करो अशोक भाई का। अशोक भाई का स्वागत ही आप लोगों ने स्वागत किया। अशोक भाई, ये शिव स्मृति में और एक्सपीरियंस शेयरिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास बहुत खजाना है, दादियों के पास का, प्रकाशमणि दादियों के, और खरीदारी का, बदी सब सेंटर का वो शेयर बहुत अच्छी तरह से करना ताकि औरों को इंस्पिरेशन मिले।
हाँ, ये ओम तो बहुत अच्छी बात शांति। कही कुंजू बहन ने। और कुंजू बहन आप ख्याल करना, सारा खजाना हाँ लुटाने में अगर कंजूसी कर दे अशोक भाई तो मुझे आप बता देना, जरूर ठीक है? जरूर, ये आप मुझे बता देना। हाँ, एक घंटे ओके, में जी बहुत कुछ दे देगा। ओम जी जी शांति, ओके, वेलकम, शांति। बेस्ट। ओम शांति। आप सभी करेली बाग के सभी देवी भाई बहनों को देख करके बहुत खुशी होती है, और आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि सबके ज्ञान तो हम बाबा से और मुरलियों से बहुत सुनते हैं, लेकिन सबके अलौकिक जीवन का अनुभव हम सुने वो सबसे बढ़िया होता है। हाँ, तो वो अच्छी बात है, और अनुभव सुनते सुनते हमें बाबा के प्रति निश्चय भी होता है। और बाबा तो एक ऐसा है कि हर ब्राह्मण आत्मा को अनुभव बाबा के मैजिक का, बाबा की मदद का होता ही है, और तभी तो वो चल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हर एक का अपना अपना अनुभव होता है। मेरे जीवन में मैं बचपन से ही भक्ति भाव वाले व्यक्ति था, और मेरे दादा और नाना नानी के साथ में पूजा पाठ करना, भक्ति करना, माला करना, नदी पे स्नान पे जाना, वैसा कारोबार करते थे। लेकिन मुझे अंदर में ये था कि मुझे पवित्र जीवन जीना है, और घर में भी मुझे लोग ब्राह्मण कह के बुलाते थे कि तो ब्राह्मण आत्मा है। और ये था कि मेरे को कुछ मिलेगा जीवन में, कुछ मिलेगा जिससे मैं एकदम संपन्न बन जाऊंगा, तो ऐसा विचार था ही। और बाबा का ज्ञान मिला, और बाबा के ज्ञान के अंदर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो है निस्वार्थ भाव की सेवा। हमारे पास जो भी देवी भाई बहन है, वो नए भाई बहनों का या तो जिसका भी सेवा करते हैं, वो एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है पवित्रता की, और पवित्रता मुझे बहुत अच्छी लगती थी शुरू से ही। और यहाँ पवित्रता की बात ही नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं वो पवित्र जीवन जीते हैं। तो पवित्रता और निस्वार्थ भाव की सेवा, वो इस दोनों चीज ने मुझे इस ज्ञान में आने के लिए अट्रैक्ट किया। और फिर बाबा की मदद तो है ही है, और बाबा जब मिला तब ऐसा अनुभव होता है कि भाई पाना था सो पा लिया, अब बाकी न रहा कुछ। अभी शुरू शुरू में बाबा के नॉलेज के बाद में, 6 मास के बाद में जब हम मधुबन जाते हैं, तो जब भी मैं मधुबन गया पहली बार और दादी और बड़ी दीदी और सबको मिला, तो फिर जब वापस जाने का समय आया तब मुझे रहा नहीं गया, मेरी आंखों में से आंसू निकला। और दादी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला इतना प्यार, दादी दीदी का प्यार हमने कहीं पे भी नहीं पाया है, और ये प्यार पाकर के मुझे अभी मधुबन छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। फिर दादी ने बहुत समझाया। तो इस तरह से देखो, बाबा तो प्यार देता ही है, लेकिन बड़ी दादिया और दीदी से जो मधुबन में रह करके हमें जो प्यार मिलता है वो बहुत ही अनुपम होता है, और वो लौकिक में कोई भी हमें नहीं दे पाता है। उस प्यार के आगे हमको लगता है कि हमारा जीवन हमें पूरा कुर्बान कर देना चाहिए। और ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मैं 1974 में मुझे ये ज्ञान मिला। उस समय मैं एसएससी में, गुजराती मीडियम एसएससी तक किया हुआ था, उसके बाद में प्री कॉमर्स मैंने इंग्लिश मीडियम में शुरू किया, और एचएल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने वो किया था। अभी उन दिनों में शुरू शुरू में ज्ञान में थे, और 1974-75 में वहाँ मेला भी सारंगपुर का लगा हुआ था अहमदाबाद में, और वहाँ सेवाएं भी बहुत होती रहती थी, तो मैं सेवा भी करता था और पढ़ाई भी पढ़ता था। तो जब एन्युअल एग्जाम आई तब मैं सभी अपने फ्रेंड्स के पास जाता था, तो फ्रेंड लोग बोलते थे कि हमने तो इतनी बार रिवीजन कर दिया, हमने तो इतनी बार पढ़ाई पढ़ लिया, और हम तो रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, 4 बजे तक पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि भाई मैंने तो अभी इतने तक तो पढ़ाई किया ही नहीं, इतनी बार रिवीजन भी नहीं किया है, तो एक थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया मुझे कि भाई मैं इन लोगों के जितना पढ़ाई नहीं किया है, और एग्जाम तो एकदम नजदीक है, तो फिर मैं कैसे अच्छी मार्क्स से पास होऊंगा। तो मैं तुरंत सेंटर पर गया, तो वहां अभी जो शाहीबाग वाले जो विजया बहन है वो सेंटर पर थे, तो
तो उन्होंने उनको सब बात बताई, तो उन्होंने बोला नहीं बाबा आपके साथ है और बाबा आपको मदद करेगा और आप अच्छे अव्वल नंबर से पास होंगे, आप फिक्र नहीं करो, बाबा को साथ में रख करके ये आप एग्जाम दो। तो वो जो उन्होंने हिम्मत दी और बाबा के साथ का उपयोग करने का बोला, वो पहला पहला मुझे मेरा बाबा से अनुभव था बाबा के साथ का। और वो 1974 में मैंने कॉमर्स प्री कॉमर्स की एग्जाम दी और वो एग्जाम में मैं अच्छी रीति से पास हुआ, फर्स्ट क्लास में मेरा रिजल्ट आया। और मेरे जो साथ में मेरे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, वो जो बोलते थे कि हमने इतनी बार रिवीजन किया, ये किया, उन लोगों का सबका सेकंड क्लास या तो पास क्लास था, लेकिन मेरा फर्स्ट क्लास आया, जबकि मैंने पढ़ाई भी बहुत कम किया था और ये हुआ था। तो ये रिजल्ट देख करके मुझे लगा कि नहीं, बाबा जरूर बच्चों को मदद करता है और बाबा की मदद से कहां पहुंच गए। और उन दिनों में मेरा फर्स्ट क्लास तो आया ही आया, लेकिन वो मैं प्रज्ञा क्लासेस में मतलब पढ़ाई पढ़ता था, प्रज्ञा क्लासेस ज्वाइंट किया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि प्रज्ञा क्लासेस में से फर्स्ट डिवीजन में आने वालों के फोटोग्राफ्स पूरे न्यूज़पेपर में उनकी एडवर्टाइज के लिए 2-3 बार उन्होंने वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया कि अशोक को इतने परसेंटेज आया और प्री कॉमर्स में फर्स्ट क्लास पास हुआ। तो उसे देख करके मुझे लगा देखो बाबा ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, नहीं तो कभी न्यूज़पेपर में अपने फोटो के साथ में रिजल्ट आना, पब्लिश होना, वो अपने बस की बात नहीं है। और पूरे फैमिली के अंदर एक मतलब ये हो गया कि भाई ये बहुत अच्छा पढ़ाई करता है और अच्छी रीति से पास हुआ है। उसके बाद में बाबा की मदद से मेरा थ्रू आउट कॉलेज प्री कॉमर्स FY SY TY फर्स्ट क्लास में ही रहा और अच्छी रीति से मैं पास हुआ। उसमें बाबा की ही मदद थी, मैं रात को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन सवेरे सवेरे 4-3 बजे उठ करके पढ़ाई पढ़ता था और बाबा को याद करके एक मुरली का आधा पेज भी पढ़ करके बाद में पढ़ाई पढ़ता था। और मुझे लगता था कि भी जो मैं पढ़ता हूँ वो ही एग्जाम में आता है, या तो बाबा मुझे टच करता है कि भी ये और उसे होता था। तो मेरा पढ़ाई का बहुत ही अच्छा रिजल्ट बाबा की मदद से हुआ, TY BCom तक मैं फर्स्ट क्लास रहा। इसके बाद में मुझे CA करने का था, तो पहले पहले तो अव्यक्त बाप दादा सबको मिलते थे और मिलने के बाद में हर एक को अपना कोई भी बातचीत करनी थी तो करते थे, हर एक को अपना प्रश्न होते हैं, कुछ भी होता है। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं CA की पढ़ाई पढ़ूं, तो बाबा ने बोला पढ़ाई तो पढ़ सकते हैं लेकिन ये पढ़ाई और वो पढ़ाई दोनों साथ में होवे तो करो। तो मैंने बोला बाबा उसमें तो टाइम बहुत जाता है। और उन दिनों में 1974 मतलब 76-78 में तो विनाश हो जाएगा ऐसा माहौल था, तो ऐसा लगा कि भी बाबा मना कर रहे हैं। तो मैंने वो CA की पढ़ाई को छोड़ करके सेवा और मेरे पिताजी के बिजनेस में लगा। उस तरह से मतलब बाबा की हर प्रकार के मेरे जीवन के अंदर श्रीमत लेकर के कार्य करता हूँ। और बिजनेस और सेवा करते करते मुझे ये बाबा की मदद से ये लाभ हुआ कि मैं सवेरे 9 बजे से लेकर के 1-2 बजे तक बिजनेस भी करता था और 2 बजे के बाद में मधुबन से ट्रक लेकर के गोपाल भाई जो अभी शांति में रहते हैं वो, और भोपाल भाई और या तो बाबू भाई कोई आते थे खरीदारी करने के लिए और वो मधुबन की खरीदारी के लिए सेवा करते थे। तो आधा टाइम बिजनेस भी करता था और आधा टाइम मधुबन की सेवा भी करते थे। तो वो सेवा करते करते मधुबन की सेवा तो बाबा ही देता है और करण करावन हार बाबा ही सिखाता है। तो वो मधुबन की खरीदारी हमने कुछ एक मास किया, उसके बाद में वहां के एक व्यापारी ने बोला कि आप अकेले अकेले जाकर के आप खरीदारी अशोक भाई के साथ करते हो, इससे अच्छा है कि कोई ब्रोकर को साथ में ले जाइए, क्योंकि ब्रोकर अगर आपके साथ होगा ना तो आपको अच्छा माल और अच्छी दुकान से माल दिला देगा। तो गोपाल भाई ने बोला कि चलो भाई ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो ब्रोकर को उन्होंने साथ में लिया और हमको जो भी चीज लेनी थी वो हमको उसी दुकान पे ले गया।
और हमने बताया और सब व्यापारी ने भी बताया कि ये तो हमारे से पहले से ही खरीदता था, तो कोई भी एक दुकान भी नया नहीं था, हम पहले जिस दुकान से खरीदते थे वही दुकान पे ब्रोकर ले जाकर के बोलता था कि भाई ये यहाँ से आप खरीदो, तो हमने बोला ये तो हमारा पहले से ही उनसे रिलेशन है। तो देखो बाबा ही हमें टचिंग करता है, कहाँ से किस तरह से खरीदना है, किसे खरीदना है और कहाँ से सस्ता मिलेगा। इसके बाद में सभी व्यापारी ने भी बोला कि यहाँ कोई ब्रोकर की इनके पास जरूरत नहीं है, ये तो आश्रम का काम कर रहे हैं। तो उस तरह से मतलब सेवा बाबा ने कराई। और उसके बाद में एक बार मधुबन से मुझे कपड़े खरीदने के लिए से बोला दादी ने, उस समय नेहा बेन को कुछ कारोबार के कारण मधुबन में रहना था और मुझे बोला कि ये अर्जेंट कपड़ा मधुबन के लिए खरीदना है। अभी मुझे तो उन दिनों में तो टेरिकॉटन कपड़ा कौन सा होता है या कॉटन कपड़ा कौन सा होता है वो भी नहीं पता था, और मुझे बोला ये कॉटन कपड़ा खरीदना है और कितना कपड़ा, 20,000 मीटर, 25,000 मीटर कपड़ा, पर्दे का कपड़ा, ये सब बहुत सारा लिस्ट उन्होंने दिया। अभी मैं तो बाबा को याद करके, वो बाबा ये काम अच्छी रीति से कराना और बाबा आपकी सेवा है, आप मुझे अच्छी रीति से गाइड करना, ऐसे करके बाबा को याद करके वो खरीदारी करने के लिए निकलता था। इससे पहले जो भाई यज्ञ के लिए जो खरीदारी करता था वो US चला गया था, इसके कारण वो काम मुझे मिला और दादी ने लिया। और उन दिनों में बाबा को याद करके अच्छी रीति से मैंने कॉटन कपड़ा, जो लट्ठे का कपड़ा बोलते हैं वो, पर्दे का कपड़ा वगैरह, वो खरीद करके दादी जी को दिया। तो दादी बहुत खुश हुए कि पहले के लास्ट ईयर से भी कपड़ा भी अच्छा है और रेट भी बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छी खरीदारी किया। तो देखो बाबा ही करण करावन हार है और बाबा हमें गाइड करता है कि कहाँ से किस तरह से हमें परचेज करना है। सेवा भी बाबा देता है और कराता भी बाबा है। तो बाबा ने बहुत अच्छी रीति से वो सेवा कराई और उसके बाद में तो यज्ञ की जो भी खरीदारी होती है वो उन दिनों में बाबा से और दादी से मुझे ही देते थे। और हर मास में मधुबन में मैं एक दो बार जाता था और जाकर के वहीं पे रुक करके सभी भाई बहनों को जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो लेकर के आता था और उसके बाद में अहमदाबाद से खरीदारी करके मधुबन में बेचता था। और उन दिनों में भी और आज भी मधुबन में पांडव भवन में लाइट हाउस में रूम नंबर 6 में मेरी एक खटिया है कि कभी भी मैं आऊं और वहां जाकर के सुख जाने का है और जब भी निकलना हो तो निकल सकते थे। तो ऐसा बाबा की मधुबन की खरीदारी की सेवा के कारण मुझे लाभ ये हुआ कि हर दिन मधुबन याद रहता था कि मधुबन कैसे ये बेचना है, मधुबन के लिए ये करना है। तो मधुबन बेहद का घर मुझे याद रहता था और उससे बाबा के पास समीप काल का अनुभव होता था। जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो बहुत बारिश हुई और बारिश के कारण एक दो दिन काम कम मतलब बंद रखना पड़ा दादी को। और दादी ने देखा कि बहुत सारे मजदूर लोग हैं और अचानक बारिश है, उनके पास कंबल भी नहीं है। तो उन्होंने दादी ने मुझे 3-4 बजे मैसेज दिया कि ये मजदूरों के लिए 500 कंबल चाहिए और रात को ही बेच दो और सवेरे में मुझे उनको बांटना है। अभी दादी का था मतलब बाबा का कहना और 4 बजे उन्होंने मैसेज दिया, मैं बाजार में जाकर के 500 कंबल भी खरीदे। और उन दिनों में डेली सर्विस की बसेस चलती थी अहमदाबाद से माउंट आबू, तो वो बसेस में डाल करके मधुबन भेजा। तो दादी बहुत खुश हो गए कि देखो लास्ट मोमेंट पे हमको बोला और काम हो गया और सभी मजदूरों को उन्होंने कंबल भी बांटा, चावल भी बांटा और सबको अच्छी तरह से सुख दिया। तो वो देख करके बाबा का काम है। और जब भी हमें कोई मौका मिलता है तो जब हम हाँ जी कहते हैं तो वो मदद करने वाला भी बाबा ही होता है, बाबा ही हमें मदद करता है कि किस तरह से करना है। उसी तरह से यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस थी तब बहुत बड़ा बलून उनको माउंट आबू में लगाने का था, वो बलून से पूरे आबू रोड से जब भी कोई भी ऊपर आवे तो उनको बलून से पूरा एडवर्टाइज दिखेगा यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस की। और वो उनके लिए जो गैस चाहिए वो हीलियम गैस था,
वो वहां कहीं लोकल में नहीं मिल रहा था, तो दादी ने बोला कि अभी बलून तो आ गया है लेकिन हीलियम गैस आप तुरंत ही तुरंत भेज दो। अभी हीलियम गैस क्या होता है क्या नहीं है वो अपने को तो पता नहीं है, मेरा धंधा भी नहीं है, लेकिन बाबा को याद करके किसी से इंक्वायरी करते करते बोला कि हमको आश्रम के लिए सेवा के लिए ये चाहिए। और सबको जब मैं ये बोलता था कि मेरा बिजनेस भी है और मैं सेवा भी करता था, तो उसकी इम्प्रेशन उनको बहुत अच्छी लगती थी। और हर कोई पूछता था, क्योंकि खरीदारी होती है तो सबको ये होता है कि उनको वही बिलिंग में भाव में देना होता है कि क्या करना आता है, तो मैं बोलता हूँ कि जो भी डिस्काउंट करना है वो बिल के अंदर ही करो, मुझे कुछ नहीं लेना है खरीदारी कितनी भी हो, मुझे तो ये सेवा का ही काम है और सेवा ही करनी है। तो उस तरह से व्यापारी को उससे बहुत ही इम्प्रेस होते थे और वो बहुत अच्छे दाम में देते थे। तो वो हीलियम गैस का आदमी भी मिल गया और गैस वाला भी मिला और उसको रात को भेज दिया मैंने मधुबन में। और मधुबन में सवेरे दादी के पास में हम गए तो दादी बोले वो गैस वाला आया तुरंत। दादी को ये फिक्र थी कि जब भी कोई वीआईपी आवे उससे पहले अपना बलून लग जावे और फिर लोगों के ऊपर अच्छी पब्लिसिटी हो। तो सेवा भी बाबा देते हैं और कराते भी बाबा ही है, तो उस तरह से सेवा में बाबा ने बहुत अच्छी रीति से मुझे मदद की और बहुत ही अच्छा अनुभव कराया। और उन दिनों में 1999 में सब लोग फॉरेन जाते थे, चंद्रिका बहन भी फॉरेन जाके आए थे, दूसरे कई लोग भी यूएस जाकर के आए थे, तो मुझे ये हुआ कि भाई मुझे भी यूएस की टूर करनी है और फॉरेन जाना है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं जाऊं तो मेरा तो कोई एक या रिलेटिव्स रहते था लेकिन उसके पास जाकर के सभी ब्राह्मणों को तो नहीं मिल पाऊंगा। और उन दिनों में लोटस हाउस नहीं था तो जो भी फॉरेनर्स आते रहते थे तो वो फॉरेनर्स को सुख शांति से चाय और वो नाश्ता आता था और मैं महादेव नगर से यहाँ आकर के उनको बसेस प्रोवाइड करता था, कार बस या ये प्रोवाइड करता था और उनको ये खाना वगैरह सब कुछ नाश्ता वगैरह दे करके उनको अच्छी रीति से विदाई करता था। तो फॉरेनर्स के टच में तो थे लेकिन उनके पास जावे कैसे और मैं जाऊं मेरे कोई भी रिलेटिव के पास में, तो मुझे वहां सेंटर पे जाना कैसे मिले और सबसे मिलना कैसे हो। तो वो एक संकल्प मुझे था, तो मैं बाबा को अमृत वेले नॉर्मल टाइम जो होता है अपना 4 बजे उससे पहले कुछ भी काम होता था तो मैं 2-2.5 बजे उठ करके बाबा को बताता था। तो बाबा को मैंने बताया कि बाबा मुझे फॉरेन की टूर करनी है और इस तरह से करनी है कि मैं सभी बाबा के सेंटर्स पे जाकर के सेंटर में देख करके सबकी सेवा भी करूं और सभी भाई बहनों को अपने ब्राह्मण परिवार को मिलूं, क्योंकि फॉरेन के स्थान वो अपने पिकनिक के स्थान है और सब लोग जब यहाँ आते थे तब बोलते थे कि आप आओ आओ। तो मैंने ये संकल्प ही रखा था और उन दिनों में मुझे पता पड़ा कि सल्ला दीदी और अमर बहन का फॉरेन टूर का प्रोग्राम बन रहा है। तो मैंने तुरंत दादी को बताया कि दादी मुझे भी ऐसी इच्छा है कि मैं फॉरेन टूर में सल्ला दीदी के साथ और अमर बहन के साथ में जाऊं। तो सल्ला दीदी ने तो मना नहीं किया था, उन्होंने बोला कि दादी बोले तो आप आ सकते हैं, लेकिन दादी को बोला तो दादी ने बोला कि भाई तू तो तेरा सरनेम पटेल है और अभी आज तक वीजा कहाँ मिलता है पटेलों को, तो और वीजा नहीं मिलेगा इसलिए तू मतलब वीजा मिल नहीं सकता इसलिए नहीं जा सकता है। और फॉरेन में तो छोटे छोटे सेंटर होते हैं और वहां रहने का भी इतना प्रबंध नहीं होता है। तो मैंने बोला दादी क्यों कोई अड़चन नहीं, रहने का प्रबंध नहीं होगा तो मैं क्लासरूम में भी सो जाऊंगा और आप एक केवल एक मुझे परमिशन दो, बाकी वीजा बाबा दिला देगा और वीजा मिलेगा तो ही जाऊंगा। क्योंकि उन दिनों में मधुबन में भी कई लोगों को, मंजू बहन है चेन्नई के, फिर बिपिन मामा है नडियाद के, ऐसे दूसरे कई लोगों को वीजा लेने गए थे और उनका रिजेक्ट हुआ था, लेकिन दादी ने मुझे परमिशन दिया कहा ठीक है चलो वीजा मिले तो आप भले करो, आपके पेपर्स तैयारी करके करो। तो मेरे पेपर्स अमर बहन और सल्ला दीदी के साथ साथ वीजा के लिए तैयार करने भेज दिए और तैयार करते करते जब फाइनल पेपर्स सब तैयार हुए तभी भी एजेंट का, ओम ट्रेवल्स करके एजेंट है, तो उसका फोन आया दीदी के पास में
कि दीदी आपको सच में अगर यूएस जाना है, यूएस लंदन, तो आप एक काम करिए कि आपका वीजा दोनों का एक अलग लीजिए, अमर बेन और आपका, और पटेल अशोक का वीजा बाद में लीजिए। अगर तीनों का साथ में लेने जाएंगे तो तीनों का रिजेक्ट हो जाएगा। अभी ये सब सुनने से पहले जब दादी ने मुझे परमिशन दिया था, तब से मैं मधु को मतलब अमृत वेले उठ करके मैं बाबा को एक संकल्प देता था कि बाबा आप तो बोलते हो कि आप विश्व के मालिक हो, और जब हम विश्व के मालिक है, त्रिलोक की नाथ है, तो हमको कोई वीजा लेने के लिए कोई मना करे वो कैसे हो सकता है? और हम वहां जाकर के रुकने वाले तो है नहीं, हमको विश्व की सेवा करनी है, वहां के आत्माओं की सेवा करनी है, और ये कौन होते हैं कि हम विश्व के मालिक महान आत्मा है, और एक अमेरिका तो इतना छोटा देश है, उस देश में जाने के लिए उसकी परमिशन भी चाहिए और वो मना भी कर सकता है। तो मैं वही संकल्प बार बार दोहराता था कि मैं विश्व का मालिक हूँ और मुझे बाबा पूरे विश्व के अंदर अच्छी रीति से भेज रहा है सेवा के लिए, और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, विश्व का मालिक हूँ। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करके मेरे को जब दीदी ने बताया कि एजेंट ने भी मना किया है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हम तीनों साथ में ही वीजा लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और वही संकल्प को लेकर के जब हम वीजा लेने गए तो वीजा वालों ने थोड़ा ही पूछा मेरे क्या पटेलों कब वापस आने को क्या क्या है, वहाँ राजयोग क्या सिखाते हैं, और तुरंत ही वीजा दे दिया। और सबको ये हुआ था कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि आपको पटेल को वीजा मिल गया, क्योंकि उसके मैंने जो वीजा लिया उसके दो दिन पहले ही मेरे भाई के एक फ्रेंड को, स्नेहल पटेल है उसको, उसको भी पटेल की सरनेम के कारण वीजा नहीं मिला था। लेकिन वो एक संकल्प था, बाबा जो बोलते हैं कि भी आप विश्व का मालिक हो, तो जब हम वो स्थिति में रह करके करते हैं तो हमारा वो संकल्प बाबा पूर्ण करता है और सामने वालों को टचिंग होकर के वो वीजा मिल जाता है। तो वो बहुत अच्छा हुआ, मुझे सल्ला दीदी के साथ में और अमर बहन के साथ में यूएसए, यूके, कनाडा और दुबई, चारों कंट्री का वीजा मिला, और अच्छी रीति से मैं सभी ब्राह्मणों कुलभूषणों को भी मिलके आया और सभी दैवी भाई बहनों को मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई। उन दिनों में अमर बहन को भी हम यूके का वीजा लेना था, तब एक प्रॉब्लम आया था, लेकिन देखो कि उन्होंने मना किया कि वो लोग यूके वाले ये नहीं समझते हैं कि कोई किसी की सेवा फ्री में करते हैं। उनको ये पूछा कि आप सल्ला दीदी की क्या सेवा करते हैं, तो कि मैं बोल की सेवा करती हूँ। तो उनको पूछा कि आपको क्या तनख्वाह मिलती है, तो बोलता है कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। तो कि तनख्वाह नहीं मिलती और आप सेवा करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोलता है नहीं, हम से तनख्वाह नहीं देते, हम तो सेवा करते हैं। तो उनको रिजेक्ट कर दिया। तो हम मुझे हुआ कि भाई हमको बाबा ने हमको तो दिया लेकिन उनको नहीं दिया, तो वो भी बात अच्छी नहीं है। तो बाबा को बहुत याद किया कि बाबा कैसे भी करके उनको वीजा दिलाओ। तो हमने फिर से वहां उनको बोला कि भाई नहीं, उनका आप कुछ भी करो, उनको वीजा तो मिलना ही चाहिए, और आप देखो हमारे साथ में ये आ रही है, ये है, ये है। तो उन्होंने बोला कि कोई अड़चन नहीं, आप दोपहर में फिर से उनका इंटरव्यू लेंगे और वो दूभाषी आएगा तो दोपहर में उनको लेके आओ। तो वंडर बात ये थी कि दोपहर में अमर बहन गए और उनको पूछा कि आप क्या सेवा करते हो, तो बोलता है मैं उनको चाय बना के देती हूँ, गोलियां देती हूँ, और फिर शाम को ये करती हूँ, ये करती हूँ। तो उनको बोला कि कौन सी गोलियां देते हो, तो उन्होंने बोला कि सुबह में एक लाल कलर की देती हूँ, दूसरी रहती है हरे कलर की देती हूँ, दोपहर में व्हाइट देती हूँ, शाम को पीली देती हूँ, ये देती हूँ। तो उन्होंने सोचा कि भाई इनको कोई दवा का नाम वाम कुछ भी पता नहीं है और वो इनोसेंट है और फिर भी जो बोलती है वो सही बोलती है, तो ऐसे समझ करके, भोलो का भगवान होता है, ऐसे समझ करके उनको वीजा तुरंत ही ग्रांट कर दिया कि भले आप ले जा सकते हैं उनके साथ। नहीं तो वो लोग तो समझते ही नहीं है कि भाई कोई फ्री में कोई किसी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब बोला कि भाई हमको ये दवाई का नाम नहीं पता है लेकिन ये कलर की दवाई मुझे डॉक्टर ने बताई और मैं देती हूँ, तो उस तरह से बाबा की मदद होती है तो सब कुछ इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है और हमको अच्छी रीति से हम कार्य कर सकते हैं। उसी तरह से मुझे ये भी अनुभव हुआ कि बाबा के पास जब हम अपना कार्य करते हैं और बाबा की कार्य में मदद करते हैं तो बाबा हमारी जिम्मेवारी सब कुछ ले लेता है।
हमें कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो बाबा उसमें मदद करता है। तो मैं ये सेंटर की सेवा के लिए और यूथ विंग के प्रोग्राम्स और रैली होती थी तो उसके पैम्फलेट छपवाने और ये कारोबार में व्यस्त रहता था। और उन दिनों में ही मेरा तेल का बिजनेस है, तो मेरे तेल के बिजनेस के अंदर पूरे बाजार के अंदर तेल बाजार में इनकम टैक्स की रेड पड़ी, और रेड पड़ी तो हमको पता तो पड़ गया है कि किसी ने बताया कि आपके पास आपकी दुकान के बाहर ही इनकम टैक्स वाले खड़े हुए हैं और क्यों नहीं आते हैं वो देखते हैं। तो मैं तो बाबा को याद करके बोला, बाबा आपके पास मेरी लाज है, अगर अच्छी रीति से इसको निपटाना, नहीं तो क्या है कि समाज में भी इज्जत जाएगी कि ये भाई अशोक भाई अपने धंधे में ध्यान नहीं रखता है, इसलिए इनकम टैक्स में ये घोटाला हुआ, ये हुआ। तो बाबा को याद, बाबा आप मेरा साथी हो और आपको ही सब कुछ करना है, ऐसे करके जब मैं गया तो उसने भी पूछा कि क्यों आप इतना देर से आए, तो मैंने बोला मेरे को ब्रह्मा कुमारी का भी काम होता है और ये होता है, उसके कारण ये हुआ। तो वो दुकान खोल करके सब इन्वेंटरी लेने लग गए कि सभी स्टॉक्स लेते थे, और मैं बाबा को याद करता था क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो निकल जाता है उसके अंदर से, तो याद करता था कि बाबा इससे छुड़ाओ इससे छुड़ाओ। और उन्होंने 10-15 मिनट ही वो इन्वेंटरी लिया होगा, उसके बाद में उसके बड़े ऑफिसर्स आए कि आपके वहां पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोलता है यहाँ मैं उनकी दुकान का स्टॉक ले रहा हूँ। तो बोलता है नहीं इनको छोड़ दो, इनको बाद में हम देखेंगे, आप वो बड़ी दुकान है उसको खुल गई है, वहां आपको जाना है और वहां करना है। तो मेरी दुकान से जो भी ऑफिसर्स थे उनको लेकर के वहां गए और वहां जाकर के वो किया और मेरा कारोबार उन्होंने बंद कर दिया। तो आसपास वाले जो भी थे बिजनेस वाले तेल वाले वो पूछ रहे थे कि आपने किसको फोन किया, कितना पैसा दिया, 10,000 दिया, 20,000 दिया, 50,000 दिया, कि वो कैसे चले गए, इतना जल्दी वो कैसे जा सकते, और कौन से मिनिस्टर को बोला कि उसके बाद में आपका इनकम टैक्स का रेट का काम छोड़ करके वो दूसरी जगह पे तुरंत ही चले गए। तो मैंने बोला मैंने किसी को भी फोन नहीं किया है, भगवान का काम है, भगवान ने कर दिया। तो बाबा ने एक ही मिनट के अंदर उनको कोई संकल्प किया और वो एक वंडरफुल अनुभव था कि जिसके अंदर वो पूरे बाजार में ये हुआ कि नहीं इनके पास कोई ईश्वरीय शक्ति है और बाबा की मदद है, भगवान की मदद है, उसके कारण उनको ये इनकम टैक्स के वाले थे वो चले गए और दूसरी दुकान पे गए। और जहाँ पे भी वो जाते थे तो वो पूरी रात रात भी इन्वेंटरी चलती थी। और उस तरह से बाबा की मदद, हम जब बाबा के बाबा बोलते हैं ना कि आप जब वक्त के टाइम पे आप हमको मदद करते हैं तो बाबा 1,000 गुना आपको मदद करने के लिए तैयार है और आपका बोझ बाबा लेने के लिए तैयार है। उसी तरह से कुछ साल के बाद में सेल्टेक्स वालों की भी रेड पड़ी, उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ सही था, लेकिन उसमें ये था बात थी कि 2-3 दिन की कैश हमने आगे नहीं खींची थी, तो वो बोलते थे कि आपकी पुरात डे टू डे की अप टू डेट नहीं है, इसलिए हमको सब बुक्स ऑफ अकाउंट ले जाने पड़ेंगे। अभी सब बुक्स ऑफ अकाउंट ले जावे तो फिर अपने पास धंधे के लिए बहुत सारी चीजें उसमें तकलीफ पड़े और फिर हमको वहां जाकर के उनकी जेरोक्स निकाल करके फिर से बिजनेस शुरू करना पड़े। तो मैंने बोला कि भाई नहीं आप इनका आपके ऑफिसर से बात कराओ, मैं बात करूं। और वो ऑफिसर से उन्होंने बात कराई तब मैंने बताया कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं और इस तरह से सेवा करता हूं, और अगर आप इस तरह से मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट ले जाएंगे तो मैं इतना समय मेरी आध्यात्मिक उन्नति में या तो ईश्वरीय सेवा में नहीं दे पाऊंगा और उसमें मेरे यहाँ कहीं पे भी कुछ गलत काम नहीं हुआ है, तो आप प्लीज मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा और इसके कारण मैं मेरी ईश्वरीय सेवाएं नहीं कर पाऊंगा। तो पता नहीं बाबा ने उसको टच किया होगा तो उसने मुझे तुरंत ही छोड़ दिया कि उनको बोल दिया कि भाई यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं लेना है, आप अपनी रीति से उनको जो भी नोट करना पड़े वो करके चले जाए। तो उस तरह से बाबा की मदद हर कार्य में हमें बहुत ही मिलती रहती है। और जब भी हम बाबा को आगे रख करके कार्य करने जाते हैं तो बाबा हमारा बोझ ले लेता है। उसी तरह से जब एक बार जयपुर में यूथ विंग की प्रोग्राम्स थे और 5-7 दिन मुझे निकलना था, पहले कोई दूसरे का जाने का था इसलिए मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन किसी का कैंसल हुआ
उसके कारण मुझे वो चांस मिला और मैंने देखा कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का जो टाइम है वो मुझे कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बाबा का काम है तो मैं वहां जाऊं और सेवा पहले करूंगा, फिर बाद में आकर के कैसे भी करके वो इनकम टैक्स के ऑडिट के पेपर्स वगैरह सब तैयार करेंगे। तो वैसा सोच करके गया और वहां से जब वापस आया तब पता पड़ा कि बाबा ने वो इनकम टैक्स के ऑडिट की रिटर्न की फाइल की डेट ही बढ़ा दिया था, वो एक मास पीछे कर दिया। तो देखो बाबा के कार्य में मैंने 6-7 दिन दिया और तो बाबा ने मुझे एक मास पूरा दे दिया कि काम करने के। इस तरह से बाबा की हर कार्य के अंदर हमें मदद मिलती रहती है और बाबा हमें जब भी मदद करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है। और कई बार ये भी अनुभव होता है ना, बाबा कहते हैं ना कि कोई कोई चीज में बाबा की मदद नहीं भी होती है लेकिन उसके अंदर राज समाया हुआ होता है कि आपको कोई ना कोई बेनिफिट होने वाला होता है, इस तरह से आपको नहीं होता है। तो वो भी बहुत अच्छे अनुभव है कि एयरपोर्ट पे जब हमको पता पड़ता है कि भी हमको 3 टैक्सियां लेके जानी है और मैं बहुत पूरी रात और सवेरे जब तक एयरपोर्ट जाना होता है तब तक मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मुझे 3 टैक्सी का कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंफर्म हो जावे और तीनों टैक्सी लेकर के जाऊं। लेकिन कई बार वो 3 टैक्सी नहीं मिलती है, 2 ही मिलती है और 1 टैक्सी मिलती नहीं है लास्ट मोमेंट पे, फिर भी बाबा को याद करके मैं जाता हूँ। और एयरपोर्ट पे जब जाकर के सब पैसेंजर्स आते हैं तब पता पड़ता है कि वो 2 गाड़ी के ही पैसेंजर आए हैं, तीसरी गाड़ी का आया ही नहीं है। तो मुझे देख पता पड़ा कि देखो बाबा ही मदद करता है, बाबा ने ऐसा मदद किया, नहीं तो अगर तीसरी गाड़ी आगे भी गई होती तो उसका कैंसलेशन का पैसा भी देना पड़ता और वो भी होना पड़ता। और इनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि वे किस तरह से वो लोग आने वाले हैं कि नहीं आने वाले थे, लेकिन बाबा का कार्य है सेवा करण करावनार बाबा ही कराता है और वो ही मदद करता है। तो उसी तरह से बाबा के जीवन के अंदर बाबा की मदद का मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी है। मेरे यहाँ मैं जो पुराने घर में रहता था, मैं साधना सोसाइटी आज से 1999 के अरसे की बात है, तो वो मकान बहुत पुराना था तो उसको रिनोवेट करने का था और मैंने मेरे चाची का ऊपर का हिस्सा भी ले लिया था तो पूरा मकान मुझे रिनोवेट करने का था। तो वो रिनोवेशन के लिए हम तैयारी कर रहे थे पूरा, और उन दिनों में हमने दूसरी जगह पे भी मकान आसपास कहीं पे भी ढूंढा दूसरे एरिया में भी, लेकिन किसी का भी फैमिली मेंबर्स का मतलब ये मानना नहीं था कि ये एरिया को छोड़ करके हमें कोई दूसरी एरिया में जावे और अच्छी जगह पे जा करके हम नया मकान लेवे। सबको यही था कि यही जगह पे हमें रहना है, चाहे वो पुराना मकान है तो उसको रिनोवेट करके भी हमें रहना है और इस तरह से यहीं पे रहना है क्योंकि यही एरिया अच्छा है, आसपास हमारे सब रिलेटिव भी रहते हैं। तो ऐसा सोच करके हमने प्लान भी बना दिया था और प्लान केवल कॉर्पोरेशन में देख करके उसको मतलब पास ही कराने का था। तो उन दिनों में ही मेरे घर में चोरी हुई और बाबा का कमरा था, बाबा का ट्रांसलाइट था और वो बारियों की ग्रिल निकाल करके अंदर घुस करके तिजोरी तोड़ करके बहुत सारी चीजें ले गए, कम से कम 1-1.25 लाख रुपए का माल ले गए। और उसके अंदर बाबा के बेज भी थे, गोल्डन सिल्वर और सब कुछ मतलब था। तो 1-1.5 लाख का चोरी हुआ और फिर माताजी को जब पता भी पड़ा कि यहाँ कोई घुसे है तो उन्होंने आवाज भी लगाई, आसपास वाले भी जागे भी सही लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सिक्योरिटी वाला भी देखा उसने कि ये चोर भाग रहे उनके सामने से, लेकिन वो सिक्योरिटी वाला भी उसके पास में जाकर के उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और वो चोरी हुआ। तो जब चोरी हो गया तो सब लोग पूछते थे कि भाई आपके घर पे कैसे चोरी हुआ, और बाबा का फोटो है, ट्रांसलाइट है, बाबा को बिठाया है तो बाबा ने क्यों बचाया नहीं आपको, और आपका 1-1.5 लाख रुपया कैसे चला गया। और तो मुझे ये याद आया कि भाई बाबा बोलते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हुआ
वो अच्छा हुआ जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वो चोरी होने के बाद में दूसरे ही दिन से मेरी माताजी और पिताजी और फैमिली मेंबर्स का उस जगह से, वो घर से ममत्व उठ गया कि भी हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हमें कोई दूसरी जगह पे नया मकान ले लो लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि आसपास वाले रोड के साइड पे है और आसपास वाले कोई भी बूम लगाने पे भी हमें कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और इस तरह से अगर चोर आ जावे कुछ भी आवे और आप लोग नहीं हो तो हमारी सेफ्टी क्या। तो देखो बाबा ने 1-1.5 लाख की चोरी के कारण वो मकान के अंदर से सबका मोह निकाल दिया, और वो मकान को हमको जो रिनोवेट करने का था वो रिनोवेट करने का हमने कैंसिल करके दूसरी जगह पे मकान ढूंढने शुरू कर दिया। तो ढूंढते ढूंढते हमको SG हाईवे के पास में, सिंधु भवन के पास में मकान भी हमने पास कर लिया, और लोग हमको पूछते थे तो हमने बोला जो हुआ वो अच्छा हुआ है, वो कुछ अच्छे के लिए हुआ। तो हमको बाद में पता पड़ा कि हमारे उस जगह पे अंदर जो ममत्व था वो निकालने के लिए बाबा ने वो चोर को भेजा होगा, और 1 लाख का चोरी हुआ लेकिन उसके सामने हमें बहुत अच्छा फायदा होने वाला था, और हुआ भी सही कि वो मकान को छोड़ करके हमको दूसरी मकान ढूंढने गए और वहाँ अच्छी तरह से हमने वो मकान का बुकिंग भी कराया। अभी वो बुकिंग करा करके ये पुराने मकान को सेल करने का था, और पुराने मकान के सेल के लिए हमने किसी एक व्यापारी के साथ में, एक बिल्डर के साथ में उसका सौदा भी तय किया था, और उस सौदे के अंदर वो बिल्डर ने सोसाइटी के चेयरमैन को भी पूछ के आया था कि भी हमको इसके अंदर फ्लैट बनाने की परमिशन देंगे, तो उसने बोला हाँ आप सौदा करो हम दे देंगे। तो जब उन्होंने सौदा किया और फिर बाद में वो परमिशन लेने गए तब सोसाइटी वालों ने बोला कि उसकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और जब मीटिंग बुलाया तब मीटिंग में सबने मना कर दिया कि हम उनको परमिशन नहीं देते। अभी मुझे लगा कि बाबा ने एक साइड पे मुझे वो नया मकान बुक करने के लिए बोल भी दिया, वहां टोकन भी दिया, और यहाँ ये मकान सेल करने के लिए बाबा ने बोला, बाबा को याद करके हमने ये काम किया था, किसी का टोकन भी लिया हुआ है लेकिन ये सोसाइटी वाले परमिशन नहीं देते हैं फ्लैट बनाने की, तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद में फिर से मीटिंग के लिए हर सोसाइटी मेंबर्स को, मेरे माताजी भी गए और सब घर के फैमिली मेंबर जाकर के उनको रिक्वेस्ट किया कि भी आप हमको परमिशन दो, और हमारे उनको परमिशन दे करके हमको फ्लैट बनाने के लिए उसको परमिशन देंगे तो हम सेल करके हमने दूसरी जगह पे मकान ले लिया है, वहाँ टोकन दे दिया है तो हम उसको सेल करके दूसरी जगह पे चले जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने सबने मुंह पे हाँ बोला, लेकिन जब फिर से मीटिंग बुलाई तब सबने बोला कि भी हमको कोई ओरल जवाब नहीं देंगे, हमको राइटिंग में अपना ओपिनियन देने दो। तो यस नो लिखने के लिए सबने चिट्ठियां बनाई और चिट्ठियां बना करके सबने डाली, तो सब में से 90% लोगों की मना आई थी, एक या दो लोग ही बोलते थे, तो वो ठहराव भी कैंसल हुआ। तो मैंने सोचा कि भी बाबा अभी ये क्या कराना चाहते हैं, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ कि उस समय परमिशन नहीं मिला तो वो मकान का सौदा हमने 50 लाख में किया हुआ था, और वहां पे भी हमको वही 50 लाख रुपया देना था, लेकिन वो सौदा नहीं हुआ तो हमने कहीं इधर उधर दूसरी छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेच करके वो मकान के डील का काम तो पूरा किया और वो मकान बन गया। तब तक ये मकान रहा तो उसकी कीमत बहुत सारी बढ़ गई, 2 गुना 3 गुना बढ़ गई। उन दिनों में ही वो मकान तैयार हुआ तभी भी वो 2 करोड़ की कीमत हो गई, जहाँ 50 लाख के बजाय 2 करोड़ की बढ़ गई। तो हमने देखा कि देखो बाबा ने अगर मदद किया होता, कि बाबा बोलते हैं विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाबा ने इसके अंदर अगर विजय दिला दिया होता तो वो मकान 50 लाख वाला 50 लाख में जाता और सामने 50 लाख का मिलता और मुझे कोई फायदा नहीं। तो बाबा की कमाल होती है, बाबा को पता पड़ता है कि किस तरह से हमें किसको कहाँ मदद करनी है और किस तरह से हमें बच्चों का मतलब कहाँ पे भी उसका बेनिफिट्स है। तो उस तरह से बाबा की मदद के कारण मैं वो दूसरा नया मकान भी ले पाया और यही मकान पे रह करके हमने ये किया और पीछे अच्छे दाम में वो बिक गया,
तो जो हमने इन्वेस्ट किया है उससे भी बहुत अच्छे भाव में हमें वो मकान बेचने का मिला, वो बाबा की कमाल थी, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और लौकिक और अलौकिक का बैलेंस मेरे जीवन के अंदर मैं यही लक्ष्य रखता हूँ कि लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखता हूँ और जीवन के अंदर ज्ञान और योग को मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। अमृत वेला का योग और मुरली क्लास हमेशा नियमित रूप से करता हूँ, तभी मैं आज ये पोस्ट पे या तो कुमार जीवन जी सकता हूँ। क्योंकि जब मैं छोटेपन से आया आगे इस ज्ञान के अंदर और मेरे शादी की उम्र हुई थी, तब लोग मुझे बोलने लगे कि भाई आप ब्रह्मा कुमारी में हो लेकिन अभी हर इंस्टीट्यूशन का एक दसका होता है, वो दसका पूरा हो जाता है ना, उसके बाद में उसकी जब गिरावट होती है तब आपको पता पड़ेगा 10 साल के बाद में कि भी आपने आपका ब्रेन वॉश हो गया है, इसके कारण आपको ये लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, ये करना है। मैंने बोला और उन्होंने ये भी बताया कि भाई आपको अगर अभी दादी से प्यार है और दादी का उम्र देखो, दादी अगर चली जाएगी इसके बाद में आप किसके सहारे पूरा जीवन जिएंगे, और चंद्रिका बहन है, चंद्रिका बहन के चले जाने के बाद में भी आप अपना जीवन किसके सहारे जिएंगे, तो आपको शादी करके इस तरह से ही जीवन जीना चाहिए, आप कुमार रह करके नहीं जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हर पीरियड का हर इंस्टीट्यूशन का एक दसका होता है, वो पूरा होने के बाद में आपको फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तभी मैंने इनको ये बोला कि भाई मैंने मेरा जीवन कोई दादी को, कोई व्यक्ति को या चंद्रिका बहन को नहीं दिया है, मैंने मेरा जीवन परमात्मा को दिया है और परमात्मा से मुझे अनुभव हुआ है और परमात्मा खुद ने मुझे बोला है कि आजीवन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पवित्र जीवन जीना है, ब्राह्मण जीवन जीना है। इसलिए मैंने कोई भी व्यक्ति को देख करके ये डिसीजन नहीं लिया है और ये परमात्मा है इसकी मुझे अनुभूति हुई है, तो कहाँ है कि परमात्मा में दिखाओ। तो मैं सबको मैंने भेजा बारी बारी से कि आप मधुबन में जाकर के शिविर करके आइए और वहां जाकर के देखिए आपको कुछ अनुभव होता है कि नहीं होता है। मैं बोलूं कि ये सफरजन मीठा है और आप बोलो कि ये खट्टा है, लेकिन वो तब पता पड़ेगा कि जब आप उसका टेस्ट करेंगे तभी पता पड़ेगा ना। तो ये नॉलेज अच्छा नहीं है, ये परमात्मा का नॉलेज नहीं है, परमात्मा मुझे गाइड नहीं करता है। तो आप उसका पहले नॉलेज पे जाइए और वो पढ़िए और वो राज्यों का सीखिए, अगर फिर उसके बाद में कुछ हो तो मुझे बताइए। तो हर कोई रिलेटिव्स मेरे वहां मधुबन में जाकर के शिविर करके आए, जब उनको बाबा का अच्छी तरह से नॉलेज पता पड़ा तब पता पड़ा कि ये सही रास्ते पे है। और उसके बाद में जब मैं मेरे बिजनेस के लिए महेश भाई रावल करके जो कॉलमनिस्ट है जो आज का भविष्य लिखते हैं, और वो मैं बिजनेस की गाइडेंस के लिए वहां उनके पास गया था, तो मैं पूछता था उनको कि भाई मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए या प्रोप्राइटरशिप में, तो उन्होंने बताया और कौन सी चीज के बिजनेस में मैं सफल होऊंगा, तो उन्होंने बताया कि प्रोप्राइटरशिप में करना चाहिए और आपको आपकी कुंडली देख करके मैं बताता हूँ कि ऑयल के बिजनेस में आप सक्सेस होंगे। तो साथ साथ में उसने ये बताया कि भाई आपका 2 साल के बाद में आपका मैरिज का योग है। मैंने बोला भाई मैं तो राजयोगी हूँ, मैं मैरिज कहाँ करने वाला हूँ, मैं तो है ही नहीं। तो बोलता है आप भले बोलो लेकिन आपकी कुंडली में लिखा है आपको ये आज से 2 साल के अंदर अंदर आपका मैरिज होगा और आप भी मेरे आशीर्वाद लेने भी आएंगे। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो ब्रह्मा कुमार हूँ और मुझे मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करूंगा और शादी नहीं करूंगा, कुमार ही रहूंगा। और जब से उसने बोला तब मुझे ये लगा, बहुत डर लग गया कि भाई मैं उसकी वाणी अगर सत्य नहीं हो जावे तो मेरे को नींद से भी अगर मुझे कुछ पता पड़ता था कि भाई कुछ हो रहा है तब भी मैं सजग होता था और मैं अपने आप पे बहुत अटेंशन रखता था कि मैं ज्ञान योग को नहीं छोड़ू और बाबा को याद करूं, बाबा मुझे पवित्र रहना है और पवित्र जीवन ही जीना है। तो उस तरह से बाबा की मदद से मैं अच्छी रीति से पवित्र जीवन जी पाया और मधुबन में मधुबन की खरीदारी के कारण, मधुबन निवासियों के कारण मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आज भी मुझे
मधुबन के सरेंडर भाइयों के साथ में मुझे गिना जाता है और मेरे पास वो मधुबन के सरेंडर भाइयों का जो आईडी होता है वो आईडी भी मुझे बाबा ने दिलाया है और मुझे फॉरेन में सल्ला दीदी के साथ में तो मैंने विजिट किया ही किया है और उसके अलावा नैरोबी में भी मैं एक बार उनके इनॉग्रेशन में गया था। उसके बाद में मुझे वो इनविटेशन मिला था कि अफ्रीका के 5 कंट्रीज है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, टांजानिया, फिर मडागास्कर और केनिया, वो 5 कंट्री का आप विजिट करो। तभी भी मुझे ये लगा कि भाई ये तो अपने पिकनिक स्थान है और बाबा के बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, वो कई बच्चे मधुबन तक नहीं आ पाते हैं, तो हम वहां जाकर के उनको मधुबन की पालना दे रहे या तो बाबा का नॉलेज दे करके उनको मिल करके आए तो हमें बहुत खुशी होगी। तो उनको मिलने के लिए जब मैंने वीजा बनाया और फिर मैं जा रहा था, तभी भी मुझे वेदांति बहन बोल रहे थे कि आप इंडिया से सबका वीजा लेके आना। मैंने बोला नहीं, मुझे मैं तो वहां जाऊंगा और मुझे वहीं से वीजा मिल जाएगा। बोलता है यहाँ वीजा नहीं मिलेगा। मैंने बोला नहीं, मुझे अमेरिका का भी अनुभव है और मैं विश्व का मालिक हूँ, मुझे वीजा देने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उसी नशे से और उसी स्मृति से हम रहते हैं ना, तो स्थिति भी बन जाती है। और वहां मैं केवल एक किसी का भी कोई भी कंट्री का वीजा लेके नहीं गया था, केन्या भी ऑन अराइवल था तो केन्या का वीजा लिया और उसके बाद में हर कोई वीजा वहां से अप्लाई करके लिया और हर जगह पे मैं अकेला गया। और वहां लोग ये बोलते थे कि भाई आप गुजराती हो और आप ब्लैक लोगों के साथ में अकेले में ट्रैवल नहीं करो, क्योंकि ब्लैक वाले लोग आपको लूट लेंगे, आपके घड़ी और सब कुछ निकाल देंगे। लेकिन मुझे कोई भी डर नहीं था, मैं यही वो समझता था कि ये सभी बाबा के बच्चे हैं, बाबा भले वो कोई भी कंट्री के हैं, वो मेरे भाई हैं और मुझे उनसे कोई डर नहीं था। तो मैं अकेला खुद उन दिन में ट्रेन में भी ट्रैवल करता था और सभी ब्लैक वालों के साथ में बस में भी ट्रैवल करता था और सभी कैनियन वाले भी मुझे बहुत अच्छी रीति से, वहां के लोकल पब्लिक भी मुझे मदद करते थे। लेकिन वहां के जो अपने भाई बहन थे वो बोलते थे कि हमने कभी ऐसा ट्रैवल नहीं किया है, क्योंकि हम केन्या वालों के साथ में ट्रैवल नहीं करते, वो लोग लूट लेते हैं, ये करते हैं। लेकिन बाबा की मदद थी, बाबा का ये था और मेरा ये था कि ये तो अपने ही भाई बहन है और मैं उनकी सेवा के लिए आया हूँ, तो मुझे पूरे अफ्रीका की टूर में कहीं पे भी कुछ भी तकलीफ नहीं पड़ा और मैं अच्छी रीति से करके आया। और बाबा जो बोलते हैं ना कि फॉरेन के स्थान वो आपके पिकनिक स्थान है, और वहां जाकर के देखा तो कई लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं और बाबा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उस तरह से मुझे फॉरेन कंट्रीज में भी जाने का अवसर मिला और साथ साथ में मधुबन लिटरेचर के जो रमेश भाई है उनको साथ में मदुराई के बहुत सारे सेवा केंद्रों के ऊपर भी जाकर के ईश्वरीय सेवा करने का मौका मिला। उसके अंदर ये था कि भी वहां के लोग बहुत गरीब होते हैं और वो मधुबन में नहीं आ पाते हैं, लेकिन मधुबन से कोई भाई जाता है, मधुबन की टोली जाती है और मधुबन की बातें सुनाता है तो वो बहुत खुश होते हैं। तो वो रमेश भाई के साथ में वो सेवाएं करने का भी मुझे बहुत मौका मिला और अच्छी रीति से वो सेवा करके खुश है। तो मुझे अपने ईश्वरीय जीवन के अंदर एक ही लक्ष्य है कि मुझे कुछ भी करना है ना तो मैं बाबा को बाबा से मांगता हूँ। मुझे अगर मधुबन में भी सेवा करने के लिए जाना था बीच में, तो मैंने बाबा को ही बोला कि बाबा ऐसा कुछ करो कि मुझे मधुबन सेवा के लिए भेजिए। तो मैं किसी बहन को किसी व्यक्ति को नहीं बोलता था कि मुझे ये सेवा के लिए जाना है, आप मुझे परमिशन ला करके दो। तो जब मैं संकल्प बाबा के पास में रखता था तो मैंने देखा था दूसरे ही दिन क्लास में ही अनाउंस हो गया कि भी मधुबन में सेवादारी की आवश्यकता है और जिसको भी जो भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। तो देखो, हमने जीवन जब तन मन धन सब कुछ बाबा को दिया है तो बाबा ही हमारा सब कुछ देखभाल करता है और बाबा ही हमें मदद करके सब कुछ देता है। तो मेरे जीवन के अंदर वही है कि बाबा को मैंने जीवन का साथी बनाया है, कंबाइंड रूप में अनुभव करता हूँ और उसके साथ का अनुभव से मुझे
ये बहुत अच्छा महसूस होता है कि पाना था सो पा लिया, बाकी न रहा कुछ। और ईश्वरीय जीवन में कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। जब भी बाबा को याद करता हूँ तो हजार भुजा वाला बाबा मुझे मदद करने के लिए तैयार होता है। आप सबको भी ईश्वरीय जीवन के ऐसे अनुभवों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अशोक भाई, आपके अनुभव की शुरुआत बाबा से और आपके अनुभव का अंत भी बाबा से और बीच में भी बाबा, बाबा और बाबा, और किस तरह से बाबा से मदद ली जाए और किसी भी कार्य की शुरुआत कैसे बाबा से की जाए, और जब आपको लगे कि इस कार्य में सफलता नहीं हुई है तो वो फुल स्टॉप नहीं होता है, लेकिन वो कॉमा होता है और फुल स्टॉप आगे आने वाला होता है। और हर हाल में, हर बात में कल्याण हुआ ही पड़ा है, समाया पड़ा है। और बाबा की वो बात कि जो बच्चे ड्रामा के रास को नहीं जानते वो नाराज होते हैं, तो आपको ड्रामा के रास को जान करके कभी भी नाराज नहीं हो करके खुशी खुशी हर ड्रामा के सीन को स्वीकार करके आगे बढ़ने वाले विशेष महान आत्मा हो। राज का अनुभव आपसे सुना और बहुत कुछ बातों की समझदारी हमारे भाई और बहनों को मिली है, यकीनन मिली है। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कुंजू बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चंपा बहन, आप भी अपने मन की बात रखें, फिर डॉक्टर साहब आप भी सुनाएं। हाँ जी अशोक भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्ञान की इतनी अच्छी है, जो सफलता मिलती है तो भी अच्छा लगता है, असफलता मिलती है तो भी इसमें राज समाया हुआ है, ये आपने एडप्ट कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सफलता मिलती है तो सब मान लेते हैं, लेकिन असफलता में भी कैसे सफलता समय हुए बाबा मदद नहीं करते हैं तो उसमें भी राज होता है। ये बहुत अच्छा अनुभव आपने सुनाया और प्रैक्टिकल में देखा गया, लाख के करोड़ में ट्रांसफर होने का जो इवेंट बना वो वंडरफुल बना। इसका कारण यही था कि ये जो है बाबा हम बच्चों का ख्याल रखता है, इसीलिए कहाँ मदद करना है, कहाँ थोड़ा रुकवाना है, ये वो जानता है। इस राज को जो जानते हैं वो दोनों में अच्छे रह सकते हैं। तो ये बात जो है हम सबको भी एडप्ट करने जैसी बात है कि चाहे कुछ भी हो हमें यही समझना है या हमें ये मालूम होना है कि बाबा का राज इसमें समाया हुआ है। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, एक एक चुन चुन कर बातें बताई, तो इसीलिए सब प्रकार का आपकी धारणाओं का भी ख्याल आया कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये भावना जो है इसी के कारण आप हर समय आगे बढ़ते ही चलते हो। आज हमें मालूम पड़ा हमारा अशोक भाई अभी बन गया, क्योंकि हमको प्यारा लग गया उसकी बातें सुनकर। कोई की बात सुनते हैं ना तब पता पड़ता है कि वो क्या है। वैसे तो आप गंभीर दिखते हो लेकिन कितना अंदर से ज्ञान को डाइजेस्ट किया है वो आज पता पड़ा, और इसीलिए बहुत खुशी हुई। और हम सब भाई बहनों को भी कितनी खुशी है, तो हाथ हिला के हम सब इनको धन्यवाद करें। हाँ, सभी करें, सभी हाथ उठा के करें। गैलरी में देखिए आप सब खुश है। अशोक भाई सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया तो हमको अपने बचपन और पूरी जीवन हिस्ट्री में फिर से झांकने का मौका मिलता है। उससे बाबा के प्रति का हमारा भाव भी बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है। और आपने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि सबके अनुभव। हमने नहीं बनाया, बाबा ने बनाया। बाबा ने बनाया। इसका कारण कहता हूँ कि जब मैं अव्यक्त बाप दादा को मिला था ना, उस समय मैंने पूछा कि बाबा तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, तो उस समय बाबा ने कहा कि अनुभव सुनो और सुनाओ।
तो ये जो है उसी आधार से ही ये जो है प्रोग्राम अनुभव का प्रोग्राम इसी आधार से हुआ। वैसे तो वो हाँ हमारे मिनेश भाई ने किया ही है, शुरू भी किया, अच्छी तरह ये मेंटेन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो था बाबा की दृष्टिकोण जो अपनाया, इसीलिए हमको भी फायदा हुआ। कितने लोगों की दुआएं मिलती है, आपकी भी दुआएं मिलती है, सबकी दुआएं मिलती है, क्योंकि ये प्रोग्राम सारा YouTube पर जाता है, हमारे विनेश भाई उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके फिर इसको अंदर आगे पीछे म्यूजिक भी लगाते हैं, और फिर यूट्यूब में हमारी शिव स्मृति है, उस शिव स्मृति चैनल में डालते हैं, तो वो हजारों लोग देखते हैं और हजारों को प्रेरणा मिलती है। इसीलिए विशेष हमारे विनेश भाई का भी बहुत बहुत हम भी आभार करते हैं, और बहुत सब अच्छा। सब भाई बहन भी जो अनुभव सुनाते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सेवा है। चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। ओम शांति। मेरा बाबा, मेरा बाबा, एक गीत यही मन में बजता, मेरा बाबा, मेरा बाबा, संगीत यही सुर में सजता, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा